बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अवैस वीज़ा टीवी यूट्यूब चैनल पर। दुबई रियासत की तरफ से जैसे जैसे एक्सपो 2020 करीब तराता चला जा रहा है, रेजिडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। जैसे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई तो आप दुबई लैंड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपायर और ओवरस्टे वीज़ा वालों को 3 माह तक एक्सटेंशन दी गई कि आप 9 दिसंबर तक मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। अबू धाबी दाखिल होने के लिए 12 दिन करंटीन की ज़रूरत है, जबकि दुबई में करंटीना एग्जम्प्टेड है, आप करंटीना के बगैर सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह 1-2 दिन पहले दुबई हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि ऐसे वीज़ा होल्डर जिनके पास न्यू एंट्री परमिट या विजिट वीज़ा मौजूद है, वो भी GTFRA से अपील करके दुबई दाखिल हो सकते हैं। अब दुबई की तरफ से रैपिड PCR टेस्ट के हवाले से एक और छोटी सी आसानी पैदा की गई, वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप रैपिड PCR टेस्ट 4 घंटे कबल करवाएं, अब 6 घंटे पुराना रैपिड PCR टेस्ट भी काबिले कबूल तसव्वर किया जाएगा। इससे कबल 4 घंटों से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता था तो रैपिड PCR टेस्ट तस्लीम नहीं किया जाता था, अब 6 घंटे तक आपके टेस्ट को काबिले कबूल तसव्वर किया जाता रहेगा। बहरहाल डिपार्चर से पहले आपके पास 48 घंटे पुरानी PCR रिपोर्ट विद QR कोड के साथ होना भी लाजिम है, जबकि रैपिड PCR टेस्ट के अलावा दुबई एयरपोर्ट पर भी आपको एक और PCR टेस्ट करवाना होगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा GTFRA से अप्रूवल लेना भी लाजिम है, लिहाजा ग्रीन स्टेटस वाले दुबई वीज़ा होल्डर ही दुबई सफ़र कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल थोड़ा इंतज़ार फरमाएं, उनके लिए भी जब कोई ना कोई अच्छी खबर सामने आएगी हम ज़रूर आगाह करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। UAE की हर ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।